स्वदेश विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट बिटवीन बर्गर किंग वर्सेस बर्गर किंग, बर्गर एम्परर, बर्गर किंग फैमिली रेस्टोरेंट, बर्गर किंग एक तरफ और तीन ट्रेडमार्क एक तरफ। हुआ क्या, बर्गर किंग तो दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांड है, 1953 से ये ऑपरेट कर रहे हैं। 2022 में इनके रेवेन्यू $1.9 बिलियन के हो चुके थे। अब हिंदुस्तान में इनको दिक्कत क्या आ रही थी, इनके 400 आउटलेट थे हिंदुस्तान में, काफ़ी बड़ी ब्रांड बन चुके थे। आप ये दो डोमेन से ऑपरेट कर रहे थे, BK.com और BurgerKing.com, जो कि रजिस्टर्ड भी इनके दोनों डोमेन। अब हिंदुस्तान में जो सामने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने क्या करा, 2010 में ट्रेडमार्क फाइलिंग करी, जिसके अंदर उन्होंने बर्गर किंग को फाइल करा, बर्गर एम्परर को फाइल करा और बर्गर किंग फैमिली रेस्टोरेंट को फाइल करा। प्लेंटिफ की नज़र में सारे ट्रेडमार्क्स आए, उन्होंने देखा, तुरंत इन्होंने लीगल नोटिस भेजा, एक्शन लिया कि डिफेंडेंट हमारे ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे ट्रेडमार्क बर्गर किंग वेल नोन है, हम बहुत सारी लोकेशन पे इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स हमारे रजिस्टर्ड हैं। अब जैसे ही मैटर कोर्ट के अंदर गया, प्लेंटिफ ने आपको आर्ग्यूमेंट बताता हूँ क्या करें, कि हमारा ट्रेडमार्क लंबे समय से रजिस्टर्ड है, वर्ड मार्क हमारे पास है, इंडस्ट्री सेम है, कस्टमर कंफ्यूज होते हैं। डिफेंडेंट भी कोर्ट के अंदर आया, उन्होंने कहा कि हम भी इसको लंबे समय से यूज़ करें, हमारा ये ट्रेडमार्क बनाया हुआ है, जनरेट करा हुआ है और बर्गर पे और किंग वर्ड्स पे एक्सक्लूसिव राइट्स किसी का हो नहीं सकता। साथ साथ डिफेंडेंट के लॉयर ने सेक्शन 124 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट में एक एप्लीकेशन भी पेश कर दी कि जो सामने वाला प्लेंटिफ है, उसने हिंदुस्तान में गलत तरीके से अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया, प्लेंटिफ के ट्रेडमार्क को रिमूव किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए। उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट चले कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और सुना। अब देखिए, डिफेंडेंट का कहना था कि ये लोग पहले आए थे, बर्गर किंग इतने टाइम से नहीं था, बर्गर किंग बाद में आ रहा है। अब बर्गर किंग का कहना ये था कि हम लोग हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं और हमने प्री लॉन्च की भी तैयारी करी। अगर आप बर्गर किंग के ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे जाओगे ना, अब सामने वाले डिफेंडेंट इस साइड वाले क्या कह रहे थे कि भैया आप हिंदुस्तान में आ रहे हो, लेट सपोज 2005 में आपने यूज़र एफिडेविट में डेट लगा रखी 2002 की, तो 3 साल या 2 साल पहले का हमने डेट कैसे लगा दिया। वहाँ प्लेंटिफ के लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स थे कि हमारा क्लाइंट हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट कर रहा था प्री लॉन्च की, हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाला है, प्री लॉन्च करने वाला है, उसी एविडेंस को यूज़ करते हुए हिंदुस्तान में हमने हमारा यूज़ दिखाया है। तो वहाँ पर कोर्ट ने उस पूरे मैटर को सुना, फाइनली जजमेंट दिया कि बर्गर किंग ने जो प्री लॉन्च करा ना, वो भी यूज़ के अंदर काउंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्री लॉन्च में करते क्या हो, मार्केटिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, लोगों को बताते हो कि हम इंडिया के अंदर आने वाले हैं, आउटलेट्स को ही अपने सेल करना चालू कर चुके थे। तो प्री लॉन्च की डेट को कोर्ट ने कंसिडर करा और ये काफ़ी अच्छा जजमेंट कोर्ट की तरफ से आया कि अगर आप प्री लॉन्च कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो यूज़र एफिडेविट के अंदर। और डिफेंडेंट को कहा कि बर्गर किंग तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब आप बर्गर यूज़ नहीं कर रहे हो और किंग अलग से यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो जब एक साथ दो नए ब्रांड को ब्रांड नेम्स को यूज़ करा जाता है ना, तो एक नया ब्रांड नेम निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं कई बार कॉइन नेम या फिर नया ब्रांड नेम, कि हमने दो नाम को एक साथ मिला दिया। जैसे कोका कोला, कोको अलग है, कोला अलग है, एक साथ मिला दिया। फेसबुक, फेस अलग है, बुक अलग है। अब फेस के नाम से मैं कंपनी हिंदुस्तान में चालू कर सकता हूँ कल ही, फेस बिलियन प्रीत, फेस भावप्रीत सिंह सोनी, फेस सोनी विजन, फेस आइसक्रीम, कुछ भी करके, बट मैं फेसबुक एक साथ यूज़ नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि बर्गर पे इनका राइट नहीं है एक्सक्लूसिव, ना किंग पे, बट एक साथ तो है, तो बर्गर किंग तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। बर्गर एम्परर में उन्होंने कहा कि ठीक है आप यूज़ कर लो, क्योंकि एम्परर वर्ड आ रहा है और बर्गर डाइल्यूटेड वर्ड है। बट जो तीसरा ट्रेडमार्क था बर्गर किंग फैमिली रेस्टोरेंट, उसके लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया और कोर्ट ने ट्रेडमार्क रेशियो को डायरेक्शन दिए कि जो सामने वाला डिफेंडेंट है उसकी प्रोसीडिंग को रोको, रिवर्स करो और ट्रेडमार्क को हटाओ वहां से। फाइनली कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बर्गर किंग जो ट्रेडमार्क था उसको वेल नोन मार्क डिक्लेयर करा, क्यों, 400 आउटलेट है, इतना मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू कर रहे हैं, हर जगह इनकी होर्डिंग लगी हुई है, बहुत एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करा है, तो वेल नोन मार्क इस जजमेंट से बर्गर किंग को हिंदुस्तान में डिक्लेयर करा गया और सामने वाले को कहा गया कि आप बर्गर किंग फैमिली रेस्टोरेंट की जगह BKF इनिशियल वर्ड्स को यूज़ कर लो, इससे कस्टमर कन्फ्यूज़ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बड़ी ब्रांड के नेम को यूज़ करते हो जो कि कॉमन नेम से मिलकर नया नेम बनाया है, बट उनके ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपके अगेंस्ट में जजमेंट आ सकता है। बट आप इनिशियल्स यूज़ कर रहे हो, पब्लिक कंफ्यूज नहीं हो रही है, तो फिर आपके फेवर में जजमेंट आ सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक्डइन पे मैं डेली कंटेंट शेयर करता हूँ, पोस्ट शेयर करता हूँ अबाउट IPRs, ट्रेडमार्क्स, मार्केट में नया क्या चल रहा है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स
किन किन स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो आईपी का देख रहे हैं, क्या वो वैल्यूएशन देख रहे हैं, सब कुछ मैं आजकल लिंक्डइन पे शेयर करने लगा हूँ। तो वहाँ जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी टीम के लिए दो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन आप लिख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाल कलर का बटन दबा लो, जिससे मैं जैसे जैसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।